अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पाकिस्तानी टॉप 10 सनब्लॉक सनस्क्रीन शेयर करूँगी, जो आप डे टाइम यूज़ कर सकते हो घर में रह कर भी, और अगर आप घर से बाहर जा रहे हो तो बोल्ड स्पेक्ट्रम SPF प्लस प्लस वाले, यानी कि 1000 की रेंज में, जो 1000 की रेंज में आज मैं आप लोगों के साथ सनब्लॉक शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ रीज़नेबल प्राइस में शेयर करूंगी, ठीक है। मेरी कोशिश होगी कि मैं जो आप लोगों के साथ सन ब्लॉक शेयर करूं वो 700 से लेकर 1000 की रेंज में हो। मेरी कोशिश है कि 1000 से ऊपर कोई प्रोडक्ट ना जाए। देखिए वो है वाइटनिंग एसेंस का मेरा मोस्ट फेवरेट सनस्क्रीन है। SPF की बात करूँ तो ये आपको 60+ के साथ मिलेगा। नॉन ग्रीसी है, स्वेट प्रूफ है और बोर्ड स्पेक्ट्रम है। मींस के अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में निकलते हो तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल से वीडियो बना चुकी हूँ। अच्छा, ये ऑल स्किन टाइप है, लेकिन मुझे इसकी सबसे अच्छी बात ये लगती है, एक तो ये नॉन क्रीसी है, वाइट का फेस पे बिल्कुल नहीं छोड़ता। सेकंड नंबर पे ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है, ड्राई स्किन वालों के लिए भी बेस्ट है। इसको लगाने के बाद स्किन पे एक ग्लोइंग लुक आ जाती है। मींस कि उस तरह नहीं कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाती है, नहीं। इसके ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई है, आप चाहो तो वो जाके देख सकते हो। मैं ज़्यादातर ये रेकमेंड करूँगी ड्राई स्किन को और ऑयली स्किन को। बिल्कुल भी आपकी स्किन पे बम्पी नहीं होता, यानी कि आपकी स्किन को बम्पी नहीं बनाता, पोर्स को क्लॉग नहीं करता। फ्रेगरेंस की बात करूँ, बहुत माइल्ड सी लाइट वेट सी फ्रेगरेंस है, बहुत लाइट वेट है, आपकी स्किन को हैवी चिप चिप या स्टिकी बिल्कुल नहीं बनाता। जैसे अभी मौसम आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, बहुत से सन ब्लॉक है जो आप विंटर में यूज़ कर सकते हो, समर में नहीं यूज़ कर सकते हो, समर में यूज़ कर सकते हो, विंटर में नहीं यूज़ कर सकते। क्योंकि समर में ज़्यादातर ये होता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट लगाते हो वो स्किन पे स्टिकी हो जाती है, चिप चिप करने लग जाती है, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्ट है ना, मैं आप लोगों के साथ फेयर एंड पिंक ग्लो क्रीम शेयर कर रही हूँ, ये SPF 30 के साथ है। अच्छा, जब मैं घर में होती ना तो मेरी कोशिश होती है कि मैं SPF 30 से काम चला लूँ, तो ये मैं इसलिए यूज़ करती हूँ। इसका मुझे मल्टी जो है ना बेनिफिट मिलते हैं। मींस कि अगर आपको डार्क स्पॉट्स है, आपको वाइटनिंग भी चाहिए, आप चाहते हो आपकी स्किन पे वाइटनिंग भी आए, ब्राइटनिंग भी आए, फिर मैं ये दिन के टाइम घर में यही यूज़ करती हूँ। लेकिन जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं SPF++ में का प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। अच्छा, इनकी एक और प्रोडक्ट है डर्मोटीन, उसके ऊपर भी मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। वो अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन वो भी बेस्ट है। वो भी आई थिंक SPF 30 के साथ है, ठीक है। जो टीन एज की बच्चियाँ या बॉयज़ लड़कियाँ लड़के होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। डर्मोटीन और फेयर एंड पिंक ग्लो क्रीम, ये मल्टीपर्पज़ के लिए मैं इसलिए यूज़ करती हूँ। अगर आपकी स्किन पे डार्क स्पॉट्स है, अनइवन स्किन है, आप चाहते हो कि समर में जैसे स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, तो ये उस पर्पज़ के लिए बेस्ट है। आपको SPF भी मिल जाएगा और आपकी स्किन पे जो इश्यूज़ होते हैं ना, ये उसको भी टारगेट करती है। तो इस तरह की क्रीम ज़रूर यूज़ करनी चाहिए, जो डे टाइम जो आपको SPF भी प्रोवाइड कर रही हो और साथ में आपके स्किन पे जो इश्यूज़ होते हैं ना, उनको भी रिपेयर कर रही हूँ। जो प्रोडक्ट है, थर्ड प्रोडक्ट है, मैं आप लोगों के साथ ये थर्ड प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ। ये गोल्डन पर्ल का वाइट एंड ब्यूटी क्रीम, ये भी बहुत अच्छी है। आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, ये मेरी ख़त्म हो चुकी है, ये आप लोग देख रहे हो, ये मेरी ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, ये SPF 15 के साथ है नॉर्मली है, लेकिन मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है मैं 30 SPF यूज़ करूँ। लेकिन ये उनके लिए जो घर में बहुत ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, बाहर इतना नहीं निकलते, तो SPF 15 भी ठीक होता है। लेकिन कोशिश करें घर में आप SPF 30 जो है ना यूज़ करें। अच्छा, ये भी जो है ना आपके स्किन पे डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करती है, आपकी स्किन पे लाइटनिंग का काम करती है, क्योंकि इसमें नियासिनामाइड है, ग्लूटाथियोन है, विटामिन सी है, अल्फा अर्बुटन है, ठीक है। तो इस तरह की प्रोडक्ट मैं ज़्यादा पसंद भी करती हूँ, जिसमें अल्फा अर्बुटन हो, नियासिनामाइड हो, विटामिन सी है, और रीज़नेबल प्राइस में ये आपको आई थिंक 300 तक की मिल जाएगी। ये भी बहुत अच्छी है, ऑयल स्किन टाइप चली जाती है, और स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि ड्राई स्किन वालों को डे टाइम भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है, तो ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगी। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो है आईजी का सन यूवी फिल्टर सन ब्लॉक। ये SPF 60 के साथ है, PA++। अच्छा, PA++ जो सन ब्लॉक होते हैं ना, जिस पे ये चीज़ मेंशन होती है, PA++,
मींस कि ये जो SPF प्लस होते हैं ना, सिंपल SPF प्लस प्लस, वो आपकी स्किन पे 2 घंटे बाद आपने मस्ट रीअप्लाई करना होता है। लेकिन ये जो PA प्लस 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 वाले जो सन ब्लॉक होते हैं, ये आपकी स्किन पे 5 से 6 घंटे निकाल देते हैं। मींस कि आपको 5 घंटे बाद रीअप्लाई करना होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, ये भी अच्छा है, रीजनेबल प्राइस में आपको 650 से 700 तक का मिल जाएगा, ठीक है। इन सब के जो लिंक है ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अच्छा, ये ज़्यादातर मैं रेकमेंड करूँगी ऑयली स्किन को, ठीक है। ऑयली स्किन को इसलिए मैं ज़्यादातर रेकमेंड करूँगी, इसका फार्मूला मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो ये ऑयली स्किन को मैं रेकमेंड करूँगी। हाँ, फिलहाल जैसे मौसम चेंज होगा, हो सकता है अभी थोड़ा बहुत मौसम चेंज हुआ है, लेकिन लाहौर में अच्छा खासा मौसम चेंज हो चुका है, तो लाहौर के हिसाब से मैं, आपको पता है लाहौर में कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, तो ये भी अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, वाइट कास्ट नहीं देता, आपकी स्किन को बम्पी नहीं करता। और इन सब सन ब्लॉक की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि ये पील नहीं होते, मींस कि आपकी स्किन से उतरते बिल्कुल नहीं है, तो ये मैं ज़्यादातर रेकमेंड करूँगी ऑयली स्किन को। जो सन ब्लॉक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही वो है ब्यूटेनिक का, ये मेरा मोस्ट सबसे ज़्यादा फेवरेट सन ब्लॉक है। इसकी मुझे ये आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव, मींस कि ये आपको 1200 या 1300 की रेंज में मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है, ये बिल्कुल आपकी स्किन पे नज़र नहीं आता है, ठीक है। आपकी स्किन पे हल्का सा एक ग्लो आ जाता है, मींस के आपको मॉइस्चराइज़र भी दे देता है, आपकी स्किन को SPF भी दे देता है, साथ आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, ठीक है। अच्छा, मैं इसके ML की बात करूँ ना, तो ये आपको 50 ग्राम मिलेगा, क्रुलटी फ्री है, इसके अलावा ये पैराबिन फ्री है। ब्यूटेनिक की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, इनकी जितनी भी मैंने प्रोडक्ट अभी तक यूज़ की है, तो वो मैं किसी प्रोडक्ट को ये नहीं कहूँगी कि मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा। मैंने इनके जितने फेस वॉश यूज़ किए हैं, इनके सीरम यूज़ किए हैं, और अब मैंने इनका ये अल्ट्रा शीर डेली डिफेंस बोर स्पेक्ट्रम मिनरल सनस्क्रीन यूज़ किया है, ये भी SPF 60 विद PA++++ के साथ है, हाईली रिकमेंडेड है, स्पेशली उन लड़कियों को जिनकी स्किन पे एक्नी है, जिनकी स्किन पे ऑयल बहुत ज़्यादा आ जाता है, स्किन पे बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ना स्किन ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाती है, इसको अप्लाई करने के बाद ऐसा बिल्कुल, ये मैं ज़्यादातर रेकमेंड करूँगी ऑयली स्किन को। अभी मैंने जितने भी प्रोडक्ट आप लोगों के साथ सन ब्लॉक आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ये वाले, ये सारी स्किन टाइप चले जाते हैं, लेकिन कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो मौसम चेंज होने के साथ स्किन को सूट नहीं करते, ठीक है। लेकिन ये तमाम प्रोडक्ट आपकी स्किन को सूट करेंगे, ये ठीक है। लेकिन ये वाला प्रोडक्ट मैं ज़्यादातर रेकमेंड करूँगी ऑयली स्किन को, वो स्किन जिनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्नी है, स्किन पे बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं, या फिर स्किन पे एजिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे इस पे ये देखिए लिखा हुआ है कंट्रोल ऑफ साइन एजिंग। प्रोडक्ट है हमारा है ऑर्गेनिक प्रॉमिस का टिंटेड सनस्क्रीन, इसके ऊपर मैंने अभी आई थिंक मेरी लास्ट वीडियो इसी के ऊपर गई थी, तो टिंटेड सनस्क्रीन या सन ब्लॉक मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था। मैंने अभी तक जितने भी सन ब्लॉक यूज़ किए हैं वो सारे ट्रांसपेरेंट है, मीन्स के लोशन या क्रीम बेस पे है, आपकी स्किन पे कोई टिंट नहीं देते। लेकिन ये इसके मैंने काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू देखे थे, तो मैंने ये फिर सेल में से बाय किया था और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और इसके ऊपर मैं डिटेल से ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, वो लड़कियाँ जो बाहर जाती हैं और ऑफिस गोइंग, कॉलेज या यूनिवर्सिटी गोइंग है, और वो ऐसा सन ब्लॉक या सनस्क्रीन देख रही हैं कि वो अप्लाई करें, और अप्लाई करने के बाद लाइट से उनके फेस पे टिंट आ जाए, ग्लो आ जाए, और फिर वो टिंट यानी कि जो दूसरा ये अप्लाई करने के बाद अपने चीक्स पे टिंट लगाए, लिप्स पे टिंट लगाए और बाहर जाए कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो उनके लिए ये हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। मीन्स कि आपको बहुत ज़्यादा भी बाहर निकलते हुए बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मीन्स के बीबी क्रीम या फाउंडेशन वगैरह इस तरह का नहीं है। वो है मामा ऑर्गेनिक का 3-in-1 सनस्क्रीन बोर्ड स्पेक्ट्रम PA++++, ये भी बहुत अच्छा है सबसे, क्योंकि ये आपको सिरामाइड भी देता है, आई थिंक इसमें वाइटामिन सी भी है, नियासिनामाइड भी है, इनका एक विटामिन सी वाला है वो अलहदा से है। अच्छा, ये वाला भी बहुत अच्छा है, आपकी स्किन पे कोई वाइट कास्ट नहीं देता, स्पेशली ये उन लड़कियों को रेकमेंड करूँगी जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है या स्किन पे बहुत ज़्यादा
ऑयल आता है, ठीक है, एक्ने वाली स्किन को भी मैं रेकमेंड करूँगी और उस स्किन को भी रेकमेंड करूँगी जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा डल और डिहाइड्रेट होती है, क्योंकि इसमें सिरामाइड है तो ये लाइट वेट है, नॉन स्टिकी है और आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और टैनिंग को जो है ना प्रिवेंट करता है, तो और स्किन को ग्लो एक लुक देता है। मैंने ये विंटर में काफ़ी यूज़ किया जब बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो ये इस सर्दी में मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा सूट किया था, बहुत ज़्यादा मेरी स्किन हेल्दी और हाइड्रेट लगती थी। और अगर मैं इसके फार्मूले की बात करूँ तो इसमें किसी किस्म का फ्रेगरेंस नहीं है, मामा ऑर्गेनिक जैसे नाम से ही है, मामा ऑर्गेनिक मीन्स कि ये क्रुएल्टी फ्री है, फ्री है, तो इसमें इस तरह का कोई हार्श केमिकल नहीं है और ये जितने भी सन ब्लॉक है ये सारे लाइट वेट हैं, नॉन स्टिकी है, नो वाइट कास्ट, आप बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हो। लास्ट में आप लोगों को मैं 2 से 3 प्रोडक्ट शेयर कर दूंगी, सजेस्ट कर दूंगी कि अगर आप बाय करना चाहो तो उनमें से बाय कर लो, ये भी मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, रीजनेबल प्राइस में हर लड़की इसको आसानी से बाय कर सकती है। अच्छा, मेरे पास जो इस टाइम साइज़ है ना वो छोटा साइज़ है, आप जो मैंने छोटा साइज इसलिए बाय किया था कि पता नहीं स्किन को सूट करता है या नहीं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ट्रीगो का सनस्क्रीन। अच्छा, ये जो सनस्क्रीन है ये SPF 50+++, इस पर PA++ मेंशन नहीं है, तो इट्स मीन ये वाला जो इस तरह के जो सन ब्लॉक होते हैं ना जिस पे SPF++ लिखा होता है, तो ये आपको 2 घंटे के बाद रीअप्लाई करना पड़ता है, कि इसमें बिल्कुल भी फ्रेगरेंस नहीं है, बिल्कुल भी इतनी सी भी मुझे फ्रेगरेंस नहीं आती थी जब मैं अप्लाई करती थी। और सेकंड नंबर पे विंटर में इसने मेरी स्किन पे काफ़ी अच्छा काम किया है, बाकी समर में जब फुल गर्मी आएगी ना मैं इसको तब यूज़ करके देखूँगी कि क्या ये समर में भी अच्छा रहेगा। बाकी रेकमेंड करूँगी मैं ये आल स्किन टाइप को, क्योंकि बिल्कुल नॉन ग्रीसी है और कोई वाइट कास्ट नहीं देती स्किन। जो प्रोडक्ट आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही वो है RD का SPF 100 आल इन वन सनस्क्रीन विद हाइलोरोनिक एसिड, विटामिन सी और एलोवेरा के साथ। ये भी मैंने लिया था लेकिन ये अभी तक मैंने सिर्फ एक बार लगाया, उसके बाद मैंने ये नहीं यूज़ किया, ठीक है, मुझे क्योंकि मैं ज़्यादातर सन ब्लॉक जो है ना वो यूज़ कर रही थी जो विंटर में मेरी स्किन को सूट कर रहे थे, ठीक है, तो मैंने फिर विंटर में इतने ज़्यादा सनस्क्रीन नहीं चेंज किए। मैंने अगर मैं अपनी बात करूँ विंटर में मैंने ज़्यादातर यूज़ किया है ये मामा ऑर्गेनिक का मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया विंटर में, और एक ये ब्यूटेनिक का, ये 2 प्रोडक्ट मैंने विंटर में बहुत ज़्यादा यूज़ किए, मींस कि ये मेरी स्किन केयर में ऐड थे। बाकी जो सनस्क्रीन है वो मैं यूज़ करती थी मींस के 10 दिन 15 दिन और फिर जस्ट मैं देखने के लिए कि स्किन को एक्नी या स्किन को बम्पी स्टिकी वाइट का इस तरह के इश्यूज़ तो नहीं होते, लेकिन विंटर स्किन केयर में मेरी स्किन में जो है ना स्किन केयर में ये वाले 2 प्रोडक्ट ज़्यादा अहम थे, काम किए, तो इसके ऊपर भी मैं इंशाल्लाह ऑलरेडी डिटेल से वीडियो बनाऊँगी कि रिकमेंडेड है या नहीं। अभी मैंने इसको जस्ट एक बार यूज़ किया, एक बार, तो एक बार के यूज़ करने में मैं नहीं आपको बता सकती कि ये अच्छा है या नहीं। हाँ, अगर क्वालिटी पैकिंग की बात करूँ पैकिंग बहुत अच्छी है, मुझे इस प्रोडक्ट का सबसे अच्छी बात ये लगी है कि जैसे जैसे प्रोडक्ट ख़त्म होता जाएगा तो जो पंप है ना वो ऊपर आता जाएगा, मीन्स कि आपका प्रोडक्ट इसमें लगा नहीं रहेगा, ज़ाया नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करना चाहूँगी 2 प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि फिर आप लोग मुझे कमेंट करते हो कि आप इनमें से सबसे अच्छा कौन सा वो बता दें, तो मैं चाहूँगी मैं आप लोगों को बता दूँ। अच्छा, एक तो मैं जिनकी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयली एक्नी पिंपल वाली स्किन है ना तो उनको मैं रेकमेंड करूँगी ब्यूटेनिक का, बहुत अच्छा है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑयली स्किन के लिए, एक्नी वाली स्किन के लिए हाईली रिकमेंडेड है, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा डल डिहाइड्रेट रहती है उनके लिए। सेकेंड नंबर पे आल स्किन मीन्स के ड्राई स्किन वाले जिनकी कम्बिनेशन स्किन है, जिनकी सेंसिटिव स्किन है, उस स्किन के लिए मैं रेकमेंड करूँगी मामा ऑर्गेनिक का 3-in-1 सनस्क्रीन, बहुत अच्छा, दोनों PA++ में है, ठीक है। मैं इसलिए चाहती हूँ मैं आप लोगों को 2 प्रोडक्ट ऐसे रेकमेंड कर दूँ जो आपको 4 से 5 घंटे जो है UVA UVB से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करे। ये भी PA++ में जाता है और मामा ऑर्गेनिक का ये वाला प्रोडक्ट भी PA++ में जाता है, ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।